हेलो दोस्तों, नमस्कार। देचू चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान मौसम की, यानी 12 फरवरी से लगाकर 28 फरवरी तक कैसा रहेगा राजस्थान का मौसम। तो राजस्थान देखा जाए तो फरवरी के महीने में देखा जाए तो बारिश की गतिविधियाँ बिल्कुल ना के बराबर रहने की संभावना, लेकिन 21-22-23 फरवरी के आसपास में जो है 20 फरवरी के आसपास में पश्चिमी विक्षोभ कमजोर है, लेकिन जो को एक 20 फरवरी के आसपास में उत्तर भारत में दस्तक देने की संभावना लगभग काफ़ी कमजोर रहने की संभावना, लेकिन 21 फरवरी को इसके पीछे पीछे एक और पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना वो काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है। लेकिन राजस्थान देखा जाए तो इन पश्चिमी विक्षोभ के कारण भी बारिश की गतिविधियाँ बहुत कम देखने को मिलेगी। लेकिन आज बात की जाए तो 12-13 और 17 फरवरी तक देखा जाए तो राजस्थान का मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना, लगभग राजस्थान संपूर्ण राजस्थान देखा जाए तो मौसम शुष्क बना रहेगा। 28 फरवरी तक बारिश की गतिविधियाँ बिल्कुल न के बराबर हैं राजस्थान में, लेकिन बादल की आवाजाही है जो कि लगभग 17-15 फरवरी तक देखा जाए तो हल्के बादलों की आवाजाही ऊंचाई राजस्थान बनी रहेगी। लेकिन पश्चिमी क्षेत्र में देखा जाए तो राजस्थान का मौसम लगभग साफ रहने की संभावना है। लगभग 17 फरवरी को शाम के समय से राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्रों से मौसम लगभग खुला हो जाएगा, लेकिन जो बाकी इलाका है राजस्थान का जो गंगानगर से लेकर उत्तर दक्षिण क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में देखा जाए तो राजस्थान काफ़ी जगहों पर 17 फरवरी के शाम टाइम तक देखा जाए तो काफ़ी जगहों पर हल्के बादलों की आवाजाही बनी रहेगी, लेकिन 15 और 16 फरवरी को मौसम लगभग राजस्थान का खुला हो जाएगा। लेकिन जो 16 और 17 फरवरी को देखा जाए तो राजस्थान काफ़ी जगहों पर तेज हवाएं भी चल सकती हैं, जो एक चक्रवाती हवा का सिस्टम है जो पाकिस्तान के मुल्तान के आसपास बनेगा, जिसके कारण राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में देखा जाए तो काफ़ी जगहों पर तेज हवाएं भी चल सकती हैं, जो गंगानगर है, हनुमानगढ़ से लगाकर राजस्थान का जोधपुर है, बीकानेर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, इन क्षेत्रों में देखा जाए तो काफ़ी तेज हवाएं भी चल सकती हैं, 20 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से वैसे लगी। उसके बाद में देखा जाए तो राजस्थान का मौसम लगभग साफ होने की संभावना, लेकिन 20 फरवरी के आसपास में पश्चिमी विक्षोभ आएगा। 21 फरवरी को राजस्थान दस्तक देने की संभावना है, जिसके कारण राजस्थान में जो गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है, इन क्षेत्रों में देखा जाए तो बादलों की आवाजाही काफ़ी तेज होने की संभावना है। हल्के बादल ऊंचे पर्वत बादल छाए रहेंगे, ज़्यादा गहरे बादल नहीं है। लेकिन 21-22 फरवरी को देखा जाए तो राजस्थान काफ़ी कम धूम रहेगी, जो पश्चिमी क्षेत्र है राजस्थान के उन क्षेत्रों में, और राजस्थान के बाकी इलाके हैं जो दक्षिण क्षेत्र हैं, उत्तरी क्षेत्र हैं, पूरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में देखा जाए तो बादल की आवाजाही बनी रह सकती हैं, लेकिन बारिश की गतिविधियाँ इन क्षेत्रों में बहुत कम देखने को मिलेगी। लेकिन 22-23 फरवरी के आसपास देखा जाए तो जो झालौड़ है, कोटा, बाराबूंदी, इन क्षेत्रों में देखा जाए तो कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं, लेकिन तापमान है जो राजस्थान के ऊपर लगभग लगातार बढ़ोतरी होने की संभावना है। लेकिन 12-13 फरवरी को देखा जाए तो राजस्थान का तापमान 28 डिग्री के आसपास रहेगा, लेकिन 28 फरवरी तक देखा जाए तो राजस्थान में 30-32 डिग्री के आसपास तापमान रिकॉर्ड होने का अनुमान है। तो ऐसा रहेगा राजस्थान का मौसम। जय हिंद, जय भारत।